मैं हूं इमरान प्रताप गढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज एफ के। तो यहां पे उनको गिरफ्तार किया गया और अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं है। और जिस तरीके से हमें मालूमात मिली है, हम सब काफी देर से, मेरे ख्याल से 2:30 बजे से हम लोग यहीं पर है। कोर्ट में पेशी होगी उनकी, फिर देखे, इन लोगों ने तो पूरी तैयारी की है। मैं हूं जहांगीर असद, आप देख रहे न्यूज एफ के। थाने के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में राष्ट्रवादी के विधायक जितेंद्र अवार्ड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट की खबर सुनते ही राष्ट्रवादी के सारे कार्यकर्ता वर्तक नगर पुलिस स्टेशन पहुंच गए, खूब नारेबाजी किए, अवार्ड साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, खूब नारेबाजी हुई। उनकी बीवी रुता अवार्ड भी वहां पर पहुंची, सभी लोगों को समझाया, क्या कुछ कहा मीडिया से वो भी हम आपको दिखाएंगे। राष्ट्रवादी के सारे कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद रहे पूरी रात। सुबह होते ही कोर्ट में पेशी हुई, दोपहर ख़त्म होते ही जितेंद्र अवार्ड को और उनके अन्य साथी के साथ कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। किस तरह से पूरे 24 घंटे का क्या क्या मामला रहा, किस तरह से रहा, कब उन्हें सिविल अस्पताल मेडिकल के लिए ले जाया गया, कब उन्हें कोर्ट ले जाया गया, वो भी हम सारी खबर आपको हमारी इस खबर में दिखाएंगे। कोर्ट ने जमानत देने के बाद माजी मंत्री तथा विधायक जितेंद्र अवार्ड ने अपने घर पर रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ कहा जनता के लिए, आइए देखिए हमारी इस खबर में। आज आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब जो एक लोकप्रिय नेता है, सेकुलर नेता है, लोगों के दिलों पर राज करने वाले ऐसे नेता को एक मूवी के बारे में, जो मूवी जो है हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है, शिवाजी महाराज, उस मूवी में जो है तोड़ मरोड़ के उस मूवी को दिखाया गया, उसको दर्शाया गया। और उस हीरो को उन्होंने इस तरीके से एक जैसा एक नेता को करना चाहिए वो उन्होंने बताया था। लेकिन यहाँ पे सरकार जो है अपने पावर का गैर वापर करके जिस तरीके से आज आतंक मचा रही है, मैं तो यही बोलूँगी कि वो एक तरीके से आतंक मचा रही है, उन्होंने जो है अपने पावर का इस्तेमाल करके आवाज़ साहब को पुलिस के जरिए डराने की कोशिश की। उन्होंने एक यहाँ पर बुलाया, उन्हें वर्तक नगर पुलिस चौकी में बुलाया कि आपके नाम की एक नोटिस है, आप आके लेकर जाओ या किसी के हाथ से हम भेजते हैं। और उन्होंने बोला कि अगर आप ही आते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर उनको बुलाने के बाद में यहाँ पे उनको गिरफ्तार किया गया और अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं है। और जिस तरीके से हमें मालूमात मिली है, हम सब काफ़ी देर से, मेरे ख्याल से 2:30 बजे से हम लोग यहीं पर है, तो हमको मालूमात मिली कि ऐसा कोई उनके पास कठोर, मतलब ये ऐसा ये नहीं है कि जिससे वो उनके ऊपर गुनाह दाखिल कर सकते, उसके बावजूद भी उन्होंने उनको अरेस्ट करके रखा है। उसके बारे में देखिए, टेबल जमीन की जो बात है, जब तुम उनके ऊपर कोई गुनाह दिख ही नहीं रहा है, जिनको उन्होंने बोला है कि मारा है किसी को, तो वो बोलता है कि मुझे मारा ही नहीं है, मुझे छुड़ाया है, जब उनके ऊपर कोई गुनाह ही हो ही नहीं रहा है, तो फिर आप किस चीज़ को लेके इतना बड़ा इशू कर रहे हो? ये तो दिख रहा है ना कि सरकार के दबाव में आकर पुलिस काम कर रही है। अभी तो उन्होंने अभी तक छोड़ा नहीं है, जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक उनके साथ के जो लोकप्रिय लोग हैं वो सब यहीं पर धरना देके बैठे हुए हैं। रिलीफ मतलब नहीं, कल कोर्ट में रिलीफ तो नहीं मिलेगी, कल कोर्ट में पेशगी होगी उनकी, फिर देखते हैं। इन लोगों ने तो पूरी तैयारी की है, लेकिन जज भी कुछ सोचेगा ना। तो जनता से क्या संदेश देंगे, जनता के लिए जो उनके समर्थक है उनके लिए क्या? शांत रहिए, हमको औरों की तरह तोड़ फोड़, लोगों को तकलीफ, पुलिस को भी तकलीफ नहीं देनी है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इतने अच्छे सपोर्ट में बैठे हैं, ऐसे ही शांति बनाए रखे बस, और कुछ नहीं। ऊपर वाला अगर है तो सच ही जीतेगा, क्योंकि ये जो केस है वो बिल्कुल भी गलत है, मुझे पता है, मैं भी पढ़ी लिखी औरत हूँ मैं, और गलत करने वाला चाहे मेरा हस्बैंड भी हो, मैं उन्हें साथ नहीं देती।
लेकिन ये हर वक्त हो रहा है, इसीलिए आज मुझे आना पड़ा। हा प्रकार ह्या पिक्चर मध्ये चालू होता, दुसरा मराठा विरुद्ध मराठी, हा वाद महाराष्ट्रात कधीच नव्हता। मराठ्यांच्या शौर्याबद्दल उभ्या महाराष्ट्राला निकोयसा है शिवाजी महाराज के लिए अगर मुझे फांसी भी दीजिए, हम सभी लोगों को फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार, कि हमारी जिंदगी की हमारा एग्जिस्टेंस शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज का विकृत इतिहास लिखा गया, उसका विकृतिकरण किया गया, इसके खिलाफ की लड़ाई। और इसमें एक दिन फंसाने के लिए एक कोई नया कलम ढूंढ के लाया हूं, जो कलम अस्तित्व में ही नहीं है। और हम एक रात अंदर बैठेंगे, ऐसा देखा कि एक रात से क्या फर्क पड़ता है, 365 दिन बिठा दिया तो भी ठीक है, लेकिन शिवाजी महाराज का विकृतिकरण, डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ शिवाजी, हम सहन नहीं करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।